डब्ल्यू पार्क में क्लास शुरू हो गई। मिस बनर्जी बच्चों को नौकरी के बारे में पढ़ा रही हैं। तो बच्चों ये क्या है? फायर फाइटर। हाँ, और ये क्या है? डॉक्टर। पुलिसकर्मी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, अब अपने माता पिता का काम बताओ। मम्मी का नाम क्या है? पता है, मेरी मॉम का फूलों का बगीचा है और वो उसे संभालती है। पिंकी की मम्मी कितनी अच्छी है। मेरी मम्मी बेकर का काम करती है। हर कोई हमारे घर में पकी पेस्ट्री से प्यार करता है। मुझे वो पेस्ट्री बहुत पसंद है। मेरे डैड एक फेमस आर्किटेक्ट हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी इमारतें डिजाइन करते हैं। ये कितना अच्छा है। बड़े, तुम भी तो कुछ बताओ। मेरी मम्मी का काम है मेरा और छोटे का ध्यान रखना। इतना ही नहीं, वो कपड़े धोती है, खाना पकाती है, हमें कहानियाँ सुनाती है और बहुत कुछ करती है। तो फिर उन्हें क्या कहा जाएगा? मुझे भी नहीं पता। वो मम्मी का काम है। हाँ? बारिश हो रही है। मत करो, मैं आ गई हूँ। रिंकू, पिंकी, आपका शुक्रिया मिसेस मेहता। ये तो मेरा फर्ज था। मम्मी मेरी हीरो है। बड़े, बड़े। मम्मी, आप सुपर हीरो नहीं बने? लगता है तुमने कोई सपना देखा। उठ जाओ, नाश्ता कर लो। ठीक है मम्मी। ला 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 ला। मम्मी का काम बहुत ही बोरिंग है। लेकिन वो रोज हमारी देखभाल करती है और वो दूसरों की भी मदद करती है, और क्या चाहिए। मुझे अब भी नहीं लगता कि वो काम इतना अच्छा है, वो बहुत बोरिंग है। बड़े छोटे आओ नाश्ता कर लो। मैं चाहता हूँ कि मम्मी मुन्ना के पापा और दूसरे मम्मी पापा जैसा काम करे। मुझे पता है, मैं मुन्ना के मम्मी पापा से पूछूंगा, मम्मी के लिए और भी अच्छा काम होगा। मम्मी। हाँ? मम्मी, मैंने खाना खा लिया है, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ? मुझे मेरा सामान कहीं दिख नहीं रहा। ये घर कितना गंदा हुआ पड़ा है। हाँ? मैं जाके ऊपर देखता हूँ। हाँ? मुन्ना। मुन्ना, क्या तुम घर पर हो? बड़े, अंदर आ जाओ, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, तब तक तुम यहाँ बैठो। यहाँ पर बहुत सारा सामान है। मुझे माफ करना, घर थोड़ा गंदा हो गया है। कोई बात नहीं, इसे देखो। ये लो तुम्हारे बुक। चलो चलकर कुर्सी साफ करें। मुन्ना, तुम कपड़े के दूसरे दो कोनों को पकड़ लो। चलो कूड़ा फेंक कर आए। बड़े, तुम कितनी अच्छी सफाई करते हो। मैंने अपनी मम्मी से साफ करना सीखा। सामान मिल गया। ओ, ये तो बड़े आए। ओ, मुन्ना के पापा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मम्मी को नौकरी दिला दें। तुम्हें अपने माँ के लिए काम की तलाश है? माफ करना, मेरे पास काम नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें रिंकी के पास जाकर पता करना हा? चाहिए। ठीक है, शुक्रिया अंकल। ये बहुत मुश्किल है। डैडी, 8+4 क्या होता है? 12। लेकिन डैड, आपको कैसे पता है? रुको बेटा, मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर तुम 4 को 2 2s में डिवाइड करते हो तो 8 और 2 मिलकर 10 हो जाते हैं, और 2 के साथ जोड़ो तो बन जाएगा 12। हाँ? पर हमें 4 को 2 2 में डिवाइड करने की क्या जरूरत? मैं अभी भी नहीं समझी। देखो बेटा, तुम ना, शायद कोई आया है। कौन है वहाँ? हेलो अंकल। हेलो बड़े। रिंकी, तुम क्या कर रही हो? डैड मुझे मैथ सिखा रहे हैं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मुझे देखो, गिनती करने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करो। याद रखो कि ये 8 उंगलियाँ हैं। तब तुम इसमें 4 और जोड़ दो। 9, 10, 11,
12। आह, ये 12 है। बहुत बढ़िया। बड़े का दिमाग तो बहुत तेज है। मेरी मम्मी ने मुझे गिनना सिखाया। सच में? तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छी है। हाँ वो है, और वो बहुत ही मेहनती है। मैं उन्हें नौकरी दिलाने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या आप किसी को जानते हैं? देखो बड़े, तुम क्यों ना बबली की मम्मी से पूछो, वो हर वक्त बिजी रहती हैं। शुक्रिया अंकल, तो मैं चलता हूँ। बाय बाय। हेलो, कितनी स्वादिष्ट खुशबू है। मेरी मम्मी भी तो बेकर है। बड़े बबली, आओ बड़ी, कैसी हो? मम्मी ने आज एक नया कपकेक बनाया है, खाकर बताओ कैसा है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बबली, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? नहीं, मैं खाना खाने का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। बहुत देर हो गई। मुझे अभी भी बहुत काम पड़ा है। बबली, तुम अभी एक कपकेक ही खा लो। मैं कल तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा खाना बनाऊंगी, ठीक है? क्या, कल? आज मैनेज कर लो। मैं वादा करती हूँ कल मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगी, ठीक है? मुझे खाने वाली भूख लगी है, मुझे कपकेक नहीं खाना। बबली, बबले, क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दी? ये आवाज कैसी है? तुम किस चीज की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ध्यान से सुनो। ये बहुत ही जोर से आ रही है। सच में? ये यहाँ से आ रही है। तुम्हारा पेट हमसे बातें कर रहा है। वो बोल रहा है मुझे बहुत भूख लग रही है। बबली ने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। ये सच नहीं है? बबली, आज मुझे माफ कर दो, आज मैं बहुत बिजी हूँ, वरना तुम्हारे लिए पका देती। कोई बात नहीं मम्मी, मैं समझ सकती हूँ। मेरी प्यारी बेटी बबली, क्यों ना तुम मेरे घर आकर दोपहर का खाना खाओ। मम्मी, क्या मैं जाऊँ? हाँ। ये तुम बहुत ही अच्छे हो, आज तुमने मेरी मदद। वो तो मेरी मम्मी ने मुझे ये सब सिखाया। सुनीता का खाना हमेशा तैयार रहता है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। बाय बाय मिस अरोड़ा, मैं जल्दी आ जाऊंगी मम्मी। बाय। संभाल के जाओ तुम दोनों। मम्मी, मैं घर आ गया और मैं पब्लिक को भी लाया हूँ। क्या तुम लोग भी आओ? बड़े, आओ खाना खाए। मेरे डैड को आज बहुत काम है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। मेरे डैड ने भी। तुम्हारी मम्मी हमारा कितना ख्याल रखती है। हाँ, हमारी मम्मी कमाल की है। अरे वाह, बबली भी यहाँ है। हाय मिसेस मेहता। हेलो। हम सब कह रहे थे कि आप बहुत कमाल की हैं। मैं आपके लिए नौकरी ढूंढने गया था, पर मैं कहीं ढूंढ नहीं पाया। माँ का काम ऐसा ही है, उसे सबका ख्याल रखना होता है, बच्चों को खुश रखना और स्वस्थ रखना, यही माँ का काम है। वाह मिसेस मेहता, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे थोड़ा और मिल सकता है? जरूर। क्या मुझे भी? हाँ हाँ, बहुत है। मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मिसेस मेहता, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। मम्मी, आप तो बहुत अच्छी है। हाँ। छोटे ने कहा था मम्मी बहुत कुछ करती है, और अब मुझे दिख रहा है। तुम दोनों बदमाशों का ख्याल रखना ही मेरा काम है, खास करके तुम बड़े। तुम भी छोटे, तुम दोनों बहुत। मैं शरारती नहीं हूँ। ठीक है बच्चों, अब तुम्हारे सोने का टाइम है। मम्मी, मैं एक कहानी सुनना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, तुम्हारे मम्मी पापा की नौकरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने मम्मी पापा को उसमें मदद करो और उनसे सीखो भी। फिर मिलते हैं। बाय।